नमस्ते माता जी। नमस्ते। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं क्या नाम कहते हैं हरबजवाला से आती हूँ जी। अम्मी रावत मेरा नाम है जी। और क्या नाम, मैं पिछले बार लॉकडाउन से पहले दुर्गा बेस्ट आई थी, तब मेरे हाथ में बहुत प्रॉब्लम थी। ये हाथ अच्छा। मेरा ऐसे ही रहता था। ये प्रॉब्लम कब से थी आपको? ये प्रॉब्लम तो मुझे कम से कम 1-2 साल से थी जी। जी। धीरे धीरे जब ये हाथ इतने से ऊपर उठ ही नहीं रहा था जी, तो उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि यहाँ नुबा बेस्ट खुला हुआ है जी जी। फिर मैं यहाँ आई जी और मैंने सर जी से बोला कि मैं तो ये सोच के आई हूँ कि मेरा हाथ ही ऊपर होगा कि नहीं होगा जी। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि बिल्कुल आपका हाथ जैसे दूसरा हाथ ऊपर जा रहा है ऐसे ही जाएगा। अच्छा। धीरे धीरे मैं यहाँ आई और 15 ही दिन हुए थे मुझे, 15 या 20 दिन जी। और हफ्ते में ही मुझे इतना आभास अच्छा लगा कि मेरा हाथ धीरे धीरे ऊपर को ऐसे बिल्कुल आज ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है जैसे। अच्छा, बिल्कुल अच्छा हो गया हाथ, बिल्कुल सही हो गया। अरे क्या बात है। बस उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया जी, फिर क्या नाम कहते आना हमारा बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन फिर आप दोबारा क्या नाम के फिर भी स्वस्थ रहे हम काफ़ी दिन, लेकिन धीरे धीरे फिर वही क्या नाम कहते थोड़ा सा नसों में फिर प्रॉब्लम होने लगी और हमारी नस जो है क्या नाम कहते फिर से ये हाथ में इस तरीके से इस पैर तक जाने लग गया था। अच्छा, पैरों में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। हाँ, अब इस बार जो है ये पैरों में प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, मतलब लॉकडाउन हुआ तो नुगा बेस्ट ऐसे थेरेपी नहीं हो पाई तो घर में रहने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होंगे शरीर में। शुगर, जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे को शुगर भी था, शुगर मेरा बहुत जा रहा था, लेकिन नुगा बेस्ट करने से मेरे को धीरे धीरे मेरे शुगर में भी मतलब बहुत मुझे ये लगा कि कम हो रहा है। अच्छा। आज मेरा शुगर 140 आता है फास्टिंग में जी। और क्या नाम, थोड़ा योगा भी करती हूँ मैं घर में जी। और अब ये जो है ये घुटने में प्रॉब्लम है इस साल। अच्छा। मैं ये कह रही कि जिस तरीके से ये हाथ बिल्कुल सही हो गया इस तरीके से घुटना भी सही हो जाएगा जी। ये मुझे विश्वास है आपको? विश्वास है।